सोनीपत के ईदगाह स्थित जामिया इमाम अहमद सर हिंदी अल इस्लामिया मदरसे में तामीर मुल्क व मिल्लत कन्वेक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने की। कार्यक्रम में हरियाणा कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने शिरकत की। इस दौरान मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद इमरान रब्बानी नदवी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अली शेख पठान विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने कहा कि वर्तमान युग में वह समाज ही आगे बढ़ सकता है जिनके बच्चे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक शिक्षित बच्चा ही देश को तरक्की की ओर ले जाता है। पूर्व मंत्री आफताब अहमद ने मुस्लिम समाज के लोगों को आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को हर हाल में शिक्षा जरूर दें ताकि बच्चा शिक्षित होकर अपने देश व अपने समाज का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि जामिया इमाम अहमद सर हिंदी अल इस्लामिया में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चों को मॉडर्न शिक्षा के अलावा अरबी उर्दू भी पढ़ाई जाती है। मौजूदा समय में ईदगाह स्थित मदरसे में 725 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कार्यक्रम में अरबी व उर्दू के 68 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। आज यहाँ मदरसे में मौलाना इमरान साहब के यहाँ प्रोग्राम था और इसमें आज बच्चों को इनामात दस्तारबंदी और हजरत कलीम सिद्दीकी साहब और सारे उलमा आज यहाँ आए थे और आज उन्होंने इस बात के लिए जोर दिया कि किस तरीके से तालीम शिक्षा जो है ज़रूरी है और सब जो भी इलाके के लोग हैं जो भी प्रदेश के लोग हैं उनको अपने बच्चों के लिए उसको सबसे पहले तालीम का जो है वो ज़िम्मेदारी उसको निभानी चाहिए और बेहतर से बेहतर तालीम। और इस मदरसे में दीन की तालीम तो है ही है लेकिन दुनियावी तालीम जो है उसका भी यहाँ पढ़ाया जाता है। तो इसलिए हमें भी जब भी मौका मिला है मौलाना इमरान साहब और उनके साथियों ने कभी भी वो दिया है तो हम हमेशा यहाँ कोशिश करते आएँ और बच्चों को उनको हौसला अफजाई करने के लिए और इलाके के लोगों को भी इस बात के लिए रुजू करने के लिए कि आप आगे बढ़ के अपने बच्चों को बच्चियों को तालीम के लिए जो है तैयार करें और बेहतर से बेहतर तालीम दें जिससे कि आज दुनिया में जो सबसे प्रतिस्पर्धा है वो तालीम की है। आप ताकत जो है वो कलम की और दिमाग की है ना कि ताकत जो है जिस्मानी ताकत है या कोई और ताकत है। आज सबसे बड़ी ज़रूरत जो है हमारे समाज को भी और सभी समाजों को वो तालीम की है और इसी वजह से इस मदरसे में इस बात का बड़ा खास जोर दिया जाता है और इसीलिए आज हज़ारों की संख्या में लोग भी आए उन्होंने इस बात के लिए और मौलाना सिद्दीकी साहब ने भी इसी बात पे जोर दिया कि किस तरीके से आज के दिन ज़रूरत जो है अपने आप को तालीम याफ्ता के लिए इल्म को हासिल करने के लिए आज हमारे सामने है और हमें उसके लिए अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए।